एवरीवन, अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे डेसिमल टू बाइनरी की कन्वर्जन, कि किस तरीके से डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट किया जाता है कोई भी नंबर। तो उसके लिए हम अपनी एक एग्जांपल देखेंगे और हम एक टेक्निक देखेंगे कि डेसिमल टू बाइनरी में कन्वर्ट करने की हमारे पास एक टेक्निक है। वैसे तो बहुत सारी टेक्निक्स हैं, लेकिन हमारे पास वन ऑफ द सिंपल टेक्निक है LCM मेथड। तो LCM मेथड जिस तरीके से आपने मैथ में पढ़ा होता है बिल्कुल वैसी ही होता है, बस स्लाइटली डिफरेंट तरीका डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो क्योंकि आप जानते हैं कि बाइनरी हमारे पास दो नंबर होते हैं 0 से 1, और डेसिमल हमारे पास 10 नंबर होते हैं 0 से लेकर 9 तक। तो जब भी आप कोई नंबर डेसिमल से बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं बाय द LCM मेथड, तो आप उसको 2 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज आपके पास बाइनरी में जाने के लिए टोटल दो नंबर ही होते हैं। बट दैट्स कम्प्लीटली डजेंट मीन कि जब बाइनरी से डेसिमल में जाना हो तो आप 10 नंबर्स का इस्तेमाल करें। इस वीडियो के पार्ट में हम देखेंगे बाइनरी से डेसिमल में किस तरीके से जाया जाता है। सो अगर आप कोई भी एग्जांपल ले लेते हैं, इसमें लेट से हमने नंबर ले लिया 41, और 41 को हमने डिवाइड किया विद 2 बाय LCM मेथड। तो जब हमने इसको सॉल्व करना शुरू किया तो 2 to the 4, और 1 क्योंकि सॉल्व नहीं हो सकता, 1 2 से छोटा है, इसलिए हमने इसको 0 कैरी देके रिमाइंडर 1 ले लिया। अगेन 2 के टेबल से हम किसको करेंगे, 2 1 2, और जैसे कि आप जानते हैं 2 10 20 होता है, या 0 ऐसे ही नीचे आ गया, बिकॉज LCM में जो होता है वो 0 सॉल्व नहीं होता, 0 एज इट इज ऐसे ही नीचे आ गया, तो रिमाइंडर हमारे पास नहीं बचा, तो 0 आ गया। अगेन 2 के टेबल से हमने किसको किया, 2 5 10, हमारे पास अगेन रिमाइंडर नहीं बचा, 0 आ गया। देन हमने किया 2 2 4, हमारे पास रिमाइंडर बचा 5 में से 4 जब माइनस हुए तो रिमाइंडर बचा 1, और फिर 2 1 2, और हमारे पास रिमाइंडर नहीं बचा तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ गया। तो हमने क्या किया, एक टेक्निक दो टेक्निक्स में दो इम्पॉर्टेंट बातें क्या थी, कि हमने सबको 2 से ही डिवाइड करना है, और हमने अपने रिमाइंडर्स यहाँ पर लिख लेने हैं कि हमारे पास जो भी रिमाइंडर्स बचे हैं। अब बाइनरी बनाने के लिए जो भी नंबर लिखा जाता है उसमें हमारे पास दो बिट्स हमेशा मौजूद होती हैं, एक होती है लेफ्ट मोस्ट बिट जिसको आप LMB भी कहते हैं, और एक होती है राइट मोस्ट बिट जिसको आप RMB भी कहते हैं। तो इस रिमाइंडर्स को बेसिकली अगर आप देखें तो ये वंस एंड जीरोस की फॉर्म में ही है। तो एक्चुअली बाइनरी नंबर हमारे ये रिमाइंडर्स होते हैं। इस टेक्निक से जब हम बाइनरी नंबर फाइंड आउट करते हैं तो हमारे रिमाइंडर्स ही हमारे बाइनरी नंबर्स होते हैं। इसमें सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट जो होती है वो होती है ये वाली जो सबसे लास्ट नंबर होता है, और राइट मोस्ट बिट वो वाली बिट होती है जो कि हमारा सबसे पहला रिमाइंडर आता है। तो ये हमारा हो गया राइट मोस्ट बिट, और ये हो गया हमारा लेफ्ट मोस्ट बिट। ओके, सो बाइनरी नंबर LCM की टेक्निक से फाइंड आउट तो कर लिया। अब लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप लिखते हैं लेफ्ट मोस्ट बिट जो कि है 1, और फिर सारे नंबर्स लिखते हैं लेफ्ट से लेके राइट मोस्ट बिट तक जाते हुए, जितने भी नंबर बीच में आते हैं वो सब आप नंबर्स लिखते हैं। सो 1 0 1 0 0 1, ये हमारा टोटल बाइनरी नंबर बन गया, और बाइनरी नंबर की पहचान होती है हमेशा बेस 2 से। वो 1 एंड 0 तो बता ही रहे हैं कि बाइनरी नंबर हैं, लेकिन 1 एंड 0 सिर्फ बाइनरी में नहीं होते, और भी नंबर सिस्टम्स में होते हैं, इसलिए उसको बहुत प्रोमिनेंट करने के लिए, बहुत स्पेसिफिक बताने के लिए हम यहाँ पे बेस 2 का भी इस्तेमाल करते हैं। तो ये थी हमारी डेसिमल से बाइनरी की कन्वर्जन विद LCM मेथड। इसको वेरीफाई करने के लिए हमारे पास एक तरीका होता है जिसको हम पावर्स ऑफ टूज़ का तरीका कहते हैं, वेरिफिकेशन, या यूं कह लें कि डेसिमल बाइनरी से डेसिमल जाने का तरीका, वेरिफिकेशन और बाइनरी से डेसिमल में जाने का तरीका। बाइनरी से डेसिमल में जाने के और भी तरीके हैं, लेकिन इसमें से एक तरीका हमारे पास पावर ऑफ टूज वाला होता है। पावर ऑफ टूज क्या होती हैं, पावर ऑफ टूज का मतलब यह है कि 2 नंबर के ऊपर कोई भी पावर हो, चाहे वो 0 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 3 हो, या चाहे वो n हो, n कोई भी नंबर हो सकता है। n बेसिकली ये जो नंबर्स पावर्स पे होते हैं ये बताते हैं कि कितनी बिट्स हैं,
टोटल नंबर ऑफ बिट्स बताते हैं कि बाइनरी नंबर को बनाने के लिए कितनी बिट्स इस्तेमाल हुई, और हमारे इस आंसर में हमारी कितनी बिट्स इस्तेमाल हुई हैं, 6 बिट्स, राइट। तो हमारे पास टोटल 6 बिट्स का नंबर है। तो 2 की पावर 0, एक्चुअली जब आप मैथमेटिकली इसको सॉल्व करते हैं कि 2 की पावर 0 हमेशा 1 के बराबर होता है, बिकॉज जब भी किसी वेरिएबल पे या किसी भी नंबर पे जब भी पावर 0 आ जाए तो वो 1 के बराबर होता है। तो 2 की पावर 1 होता है 2, 2 की पावर 2 का मतलब है कि 2 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आप देख रहे होंगे कि जिससे जितनी भी पावर का नंबर होता है उतनी ही दफ़ा उस के साथ वाला जो भी नंबर होता है जिस पे पावर होती है वो मल्टीप्लाई होता है। तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8, 2 की पावर 2 का मतलब होता है 4, 2 की पावर 1 का मतलब अगेन 2 ही है, और ये 1 ही है अपनी जगह। सो आप यहाँ भी एक कॉम्बिनेशन देख रहे होंगे, 1, 2, 4, 8 का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है जो कि पावर ऑफ 2 से बन रहा है। तो 2 की पावर n हमेशा वो अननोन नंबर होता है जिस जहाँ तक बिट्स जाती हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक नोन नंबर है 2 की पावर 6। तो वेरिफिकेशन के लिए जो पावर ऑफ 2 का तरीका है उसमें तरीका क्या है कि हम हर बाइनरी नंबर को पावर ऑफ 2 वाले नंबर के साथ मल्टीप्लाई कराएंगे और फिर आपस में सबको ऐड करा देंगे। तो मे बी ये सुनने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, तो आइए इसको करके देखते हैं। सबसे पहले सबसे लेफ्ट मोस्ट बिट 1 मल्टीप्लाई बाय 2, इसकी पावर कैसे अरेंज होंगी वो हम इस स्टेटमेंट को या इस लाइन को लिखने के बाद डिस्कस करते हैं।